This is NDTV. And you're watching Classics. This episode of 24 Hours is likely to be somewhat unusual as we turn the camera inwards and look at our own profession, but by travelling away from the traditional media hubs. At a time when the debate over what constitutes real journalism has never been more intense, we travel to the front lines of that debate, to Ranchi in Jharkhand, where we tell the story of journalists like Dayamani Barla, a tribal woman who's shown that there's still a lot of power left in the pen, and we look at the work of one newspaper which has combined commercial success with good old-fashioned issue-based journalism. अरे जल्दी जल्दी करो, तू लोग का ग्राहक आके देखो बाहर खड़ा है, अंदर खड़ा है। ये दुकान हम 96 से शुरू किए। लाइफ में 2.5 साल हम नौकरी किए ऐसा एनजीओ में। 94-95 जब कोयलकारो आंदोलन में हम 95 में पूरी तरह से वहाँ शामिल हो गए, तब हमारे ऊपर जो संस्था का ये है वो पूरी तरह से कसना शुरू कर दिया और वो सवाल उठाया कि नहीं, एक तो तुम आंदोलन में रहो या तो तुम संस्था के लिए काम करो। तो हम उन लोगों के सामने रखे कि कोयलकारों का मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट है जहाँ से 2.5 लाख लोग विस्थापित होने वाले हैं और हमारा जंगल जमीन रहेगा ही नहीं, तो हम किस एनजीओ के लिए काम करेंगे और किस लिए काम करेंगे। तब हमारे मन में आया, जो रास्ता में हम चाय के दुकान देखते हुए जाते थे, तो हमारे मन में आया कि जब हम समाज का काम करेंगे तो किसी के बंधन में रह के ये काम संभव नहीं है। हमारे मन में आया कि सुबह सुबह 150 चाय तो डेली बेच सकते हैं, 150 चाय अगर बेचते हैं तो एक दिन का खर्चा मेरा निकल जाएगा। तो वहीं से हम ये दुकान करना शुरू कर दिए। 10 साल हो गए, तो अभी 10 साल के दरमियान में जो भी सामाजिक काम है मेरा, समझिए कि ये मेरा आधार है कि और विस्थापन नहीं। ये एक तरफ झारखंड सरकार 40 एमओयू की है बड़े कंपनियों को झारखंड में बैठाने के लिए। जब 40 एमओयू किया तो हमारे मन में बार बार आया और बार बार सरकार बोलती है कि एक आदर्श पुनर्वास नीति के तहत ही लोगों को उजाड़ने का काम करेंगे तो कारखाना बैठाने का काम करेंगे। तो इस बीच में हम कोशिश किए कि आज तक जो परियोजना बने हैं उससे जो लोग विस्थापित हुए हैं, उस समय भी पुनर्वास नीति का घोषणा किया था सरकार, चाहे तो कंपनी आई तो वो भी घोषणा की थी, लेकिन जैसा उजड़ने के बाद जिस स्थिति में है आज तक भी 10-12 साल की स्थिति में भी वही है। कहाँ है खुला वाला? यही है ना। क्या करेंगी आप इनका? ये वहाँ कोयलकारो इलाका जाएंगे ना। अच्छा। शहीद स्थल है, कोयलकारो जन संगठन के जो साथी शहीद हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ पर, हाँ उनके लिए। This is familiar terrain for Dayamani, and she is a familiar figure to those who live here. She's entered their lives by reporting stories like the vanishing children,
Young boys and girls who have left the villages for cities but have disappeared in the process. खूब यहाँ से काम कर एक मन जा रहे हैं छुआ मने घुई रहे कि नहीं घुई रहे हैं हम अपना ही नहीं घुई रहे हैं नहीं घुई रहे हैं नमस्ते कहाँ जा हैं छटका पंजाब जाए हो अच्छा का नाम है के अजय चिट्ठी को कुल है जी कहाँ कुल अमिसा तो का कुल रोल अच्छा और पैसा को पैसा का कुल लगा दो का कुल लगा दो हाँ होड़ो या चिट्ठी का कुल ना तो बातों पैसा कुल नहीं है ताले कुम्हार टोली के सबसे बेसी जा कुम्हार टोली से हाँ। कितना लिख जा है छह सात जन हुआ कर सब जतरा उठिन कर छोड़ी रहे सब जा छह सात जन है हाँ। तले इठिन कूर के कर बेटी खुटोला कर बेटी का ना है के तोर लड़की के नन की कितने उम्र का रह के उम्र तो है करे छोटे अच्छा तो केकर संगे जाए जन पता नहीं ये तोरे ग्राम सभा में जो गोठिया वाला या इतने ही बेटी छुआ मने या से तोहर गांव से बाहरे जा है किन हर मन लगा ना सके नहीं पता करा ला तो ठेकेदार कहाँ से आवेला बारे घर से आवे ना हर पैर फेंक के लिए जाए ना कि चलो वहाँ कमाने के लिए यहाँ कमाने के लिए चलो कहीं के ठाई के लिए ना फुसलाए फुसले के लिए जाए ना रोधे ले के का कर देना पता हो जाए देखिए ये चीज सब मुंह जबानी याद रखना चाहिए गांव का समस्या के बारे में न तो ग्राम सभा का यही काम है स्कूल जाती है नहीं अच्छा देखो दिल्ली पटना नहीं जाना पढ़ना बढ़िया से दिल्ली में काम मिलेगा बोल के फिर लेके चला जाएगा नहीं जाना है बढ़िया से पढ़ना है ठीक है ना ये आप दो अलग आर्टिकल लिखेंगे इसको हम कोशिश करेंगे चलते चलते अगर बाकी गाँव में और भी हम टच करेंगे पलायन को भी लेके तो हम एक सब गांवों का मिला के एक आर्टिकल बनाएंगे जिस तरह से झारखंड में अभी जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि आदिवासियों का जनसंख्या घट रहा है यहाँ अपने आप वो आंकड़ा सामने आएगा कि एक पंचायत से 100 लोग 200 लोग 250 लोग पलायन कर जा रहे हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन तो आप अपने आप ही घट रहा है एक सोच ये है कि MOUs जो साइन किए हैं जो ये सारी जो कंपनीज होंगी माइनिंग की होगी इंडस्ट्री होगी ये सब होगा इससे लोगों को नौकरी मिलेगी तो इसका क्यों इसके खिलाफ क्यों संघर्ष करना जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं वो तो अपना इंजीनियर लेके आएगा अपना वहां से लेबर लेके आएगा विकास के नाम पर आज तक झारखंड में 3-4 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं जिनका आज तक किसी तरह का पुनर्वास नहीं हुआ है इनमें से जो विस्थापित हुए उसमें से 80% आदिवासी हैं।